हम लोग किस पोजीशन पे रखते हैं? हाँ फिर ठीक है, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, फिर से ब्रेक। अब आपको इंजन स्टार्ट करना है, क्लच दबा के इंजन स्टार्ट करो। आपको करना क्या पता है? आपने इंजन स्टार्ट कर लिया। एक बार देखो आपका हैंड ब्रेक लगा है? नहीं लगा है ना, नहीं लगा। आपको यहाँ से फर्स्ट के लगा के चार कदम आगे लेके जाना है, फिर वहाँ पे खड़ी करना है। पहले हम लोग कार खड़ी करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग रिवर्स में लेके पीछे आएंगे, ठीक है। अब आपको लगाना है फर्स्ट गियर, लगाइए। आपको एक्सेलेटर नहीं यूज करना, आपको ब्रेक पे पैर रखना है। ब्रेक पे पैर रख लेंगे अब आपको सिर्फ क्लच हल्का का छोड़ेंगे, पूरा मत छोड़ेगा, हल्का का क्लच छोड़ेंगे चार कदम बस, और फिर क्लच दबा दो, क्लच दबाओ, ब्रेक लगा लो। अभी फिर से गियर को न्यूट्रल करो, किया ना। अब राइट खींचो पूरा और पीछे, ये लग गया रिवर्स गियर, ठीक है। अब फिर से आप जैसा भी आपने फर्स्ट गियर में क्लच छोड़ा ना, वैसे फिर से आपको क्लच छोड़ना है और ब्रेक पे पैर रखे रहना, बस सिर्फ ब्रेक पे आपको पैर रखना है बस, और दोनों मिरर में देखना है, राइट लेफ्ट। अगर आपकी कार भाग रही तेजी से तो क्लच दबा दो वापस, कार नहीं जाएगी, भागेगी नहीं, बस जो आपकी कार में रनिंग है वो चलेगी बस। अब फिर से हल्का हल्का क्लच छोड़ो, अब फिर से क्लच दबाओ, ब्रेक लगा लो। आपने देखा ना यहाँ पे तेजी से कार भाग रही थी, तो आप हल्का सा क्लच छोड़ो, फिर हल्का सा क्लच छोड़ो, हल्के की कार रनिंग करे ना, फिर क्लच को वहीं के वहीं होल्ड कर लो, पूरा मत छोड़ो, नहीं भागेगी कार आपकी। आपको भगाना नहीं, आपको स्लो 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 बैक करना है। जैसे मान लो पीछे कोई वाहन खड़ा है, उसके पीछे लगाना है आपको, तो आपको वहाँ पे स्लो स्लो चलना होगा ना। अभी फिर से खड़ी करो, अब स्टीयरिंग को ना पूरा लेफ्ट घुमा दो, स्टीयरिंग को हम लोग ना पूरा लेफ्ट घुमा दो, पूरा लेफ्ट घुमा दो, पूरा लेफ्ट घुमा दो, पूरा लेफ्ट घुमा दो, पूरा घुमा दिया ना। आप छोड़ो मैम क्लच, जब ऐसे करे ना तो क्लच दबा लेगा तो इंजन आपका नहीं बंद होगा। फिर से स्टार्ट करो क्लच दबा के, हो गया। अब फिर से आपको हल्का हल्का क्लच छोड़ना है, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और लेफ्ट वाले मिरर में देखना है। जब लगे तो फिर से वापस अब दबाओ क्लच, क्लच दबाओ, देखो नहीं बंद हुआ ना इंजन। फिर छोड़ो हल्का का क्लच, हल्का का छोड़ो, पूरा नहीं छोड़ना, हल्का का छोड़ो। अब इतने पे होल्ड रखना भी क्लच को, होल्ड कर लो बस, मतलब कि वहीं के वहीं रोक लो। अब फिर से क्लच दबाओ, अब फिर से क्लच छोड़ो मैम हल्का हल्का, फिर छोड़ो हल्का का, हल्का पूरा नहीं छोड़ना है, अगर आ जाने दो, आ जाने दो पीछे, हल्का हल्का बस क्लच दबाओ, फिर छोड़ो क्लच हल्का हल्का, बस फिर से क्लच दबा लो। अब इस चेन को सीधा कर लो, जितना आपने टर्न किया था उतना सीधा कर लो, ये सीधा हो गया बस, हो गया था हाँ ये। अब एक कदम और पीछे ले जाना, अब आपकी कार सीधी हो गई, बस आपको पार्किंग पीछे लगा देना है ना। और आओ दोनों मिरर में देखो, अभी रोको कार, है ना, रोक लिया। अब इसमें देखो मिरर में दिख रहा ना टायर, दिख रहा ना, आप सेट करो, दिख रहा ना टायर, नीचे का दिखना चाहिए, ये आपको दिखना चाहिए, ये दिख रहा ना। अब आप हल्का हल्का आओ डिवाइडर देखते हुए, पीछे डिवाइडर जो है ना, दीवार उठा है ना, उसको देखना आपको, और हल्का सा बस करो क्लच ब्रेक। अब फिर से गियर को न्यूट्रल करो, अब फर्स्ट गियर लगा लो, पूरा स्टीयरिंग राइट घुमा दो मेरी साइड। फिर से आपको हल्का हल्का क्लच छोड़ना है और फिर कार चलेगी। जब कार हमारी सीधी हो जाए तो कार हमें खड़ी कर लेना है, ठीक है। जब कार सीधी हो जाए फिर खड़ी कर लेना, छोड़ो हल्का हल्का क्लच, क्लच दबाओ, चलो कोई नहीं कोई नहीं, फिर से क्लच दबा। अब यहाँ पे हल्का हल्का चलेगी, और नहीं तो भी आप हल्का सा एक्सीलेट भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्लोप है ना, थोड़ा सा चढ़ाई है, इसलिए स्टार्ट करो क्लच दबा के, गुड। हल्का के छोड़ो क्लच, छोड़ो हल्का का क्लच, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बच गया, गट, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी सीधा मत करो, पहले खड़ी कर लो, खड़ी करो पहले, कार खड़ी करो, खड़ी करो पहले, सबसे पहले कार खड़ी करो, कहीं भी ऐसे कुछ फंसो ना तो पहले कार हम लोग खड़ी कर लेते हैं, उसके बाद सीधा भी हो जाएगा और गियर भी न्यूट्रल हो जाएगा। अभी एक कदम और जाओ, एक हल्का राइट टर्न करो मेरी साइड, हल्का सा, हाँ
और जाने दो, जाने दो, और जाने दो। अब खड़ी करो, सीधा हो गया। अब फिर से गियर आपको न्यूट्रल कर लेना है, न्यूट्रल कर लो फिर से, फिर से फर्स्ट से आपको रिवर्स गियर फिर से लगाना है, फिर से आपको पीछे लेके जाना है। दोनों मिरर में देखना है, जितना समझ में उतना दूर जाना और फिर कार खड़ी करना, फिर रिवर्स फर्स्ट गियर में लेके आ जाना ड्राइव लगा के ना। बस खड़ी है, अब खड़ी कर लो, अब फिर से ड्राइव पे लगा लो फर्स्ट गियर। अब फिर से आपको चार कदम लेके जाना है आगे सामने की ओर। चलो कोई नहीं, देखो अभी भी बंद हो गया, कोई बात नहीं है ना, स्टार्ट करो। लगा ना फर्स्ट गियर, चार कदम आगे ले जाओ, फिर खड़ी कर लेना कार वहीं पे। कौन सा गियर लगाया मैडम आपने? नहीं, पीछे करो पहले, अब लेफ्ट करो, अब आगे क्लच दबाओ। नहीं 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 अभी नहीं लगा, पीछे करो गियर लीवर, लेफ्ट करो, हाँ लेफ्ट करते हुए आगे, अब लगा फर्स्ट गियर, अब नहीं बंद होगा। अगर आपने स्टार्ट करने से पहले गियर लगा दिया तो तभी सही था। गुड, चलो छोड़ो, बस क्लच तेजी से छोड़ना, बस फिर से आगे खड़ी कर देना कार, बस खड़ी कर दो। अब अभी गियर को न्यूट्रल कर देना,